अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईद की मुनासबत से बहुत ही मजे की रेसिपी कस्टर्ड ट्राइफल क्रीम डिलाइट। ईद उल फितर पर जहाँ बहुत सारे खाने बनते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार जो होता है वो मीठा होता है, क्योंकि सबका दिल चाहता है कि मजे मजे के मीठे हमें खाने के लिए मिले। तो उसमें से अगर आप इस रेसिपी को भी ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 6 कप दूध, ये हमारे पास रेगुलर फुल फैट मिल्क है। चलिए जी, 1 कप दूध हमने सेपरेट कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 6 टेबलस्पून कस्टर्ड। मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन ट्राइफल में वनीला फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है। चले, कस्टर्ड हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई गुठली कोई लंप नहीं होना चाहिए। मिक्स करके साइड पर रख लें। मिल्क जो है वो हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो रहा है, इसको बॉयल आने का हमने वेट नहीं करना। इसका टेम्परेचर अप होगा जैसे ही, तो इसके अंदर हम कस्टर्ड को ऐड कर लेंगे। ये देखें, जैसे ही गर्म हो गया है इसके अंदर अब हम कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमने इसको इस तरह से ऐड करना है कि बहुत गाढ़ा एकदम से ना हो जाए, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। साथ साथ इसको डालते जाएंगे, साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि वो मिक्स होता जाए और कोई गुठली वगैरह ना बने इसके अंदर। तो चलें सारा कस्टर्ड ऐड कर लेते हैं इसमें। और चलें जी, ये सारा कस्टर्ड हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच हमने मीडियम ही रखनी है और साथ साथ इसको चलाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो गया है कस्टर्ड हमारा। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में चला जाए। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, थोड़ा सा खुशबू और अच्छी हो जाएगी, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और ये देखें, टाइम के साथ साथ ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। स्पैचुला के साथ साथ हमने चलाते जाना है, इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे एक दफ़ा भी लग जाए तो पूरे दूध में इसकी स्मेल आ जाएगी जले की। हमने एहतियात करनी है, साथ साथ इसको हिलाना है, साथ साथ चेक करना है कि गाढ़ा किस तरह से हो रहा है। ये देखें, ये बहुत अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, हमें इसी तरह का चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत पतला नहीं चाहिए। चलें जी, इसको ठंडा करने के लिए हम सेपरेट पैन में रख लेंगे। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ठंडा होने का वेट करते हैं इसको। चलिए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने व्हिपिंग क्रीम जो लेनी है उसको हमने व्हिप करना है। हैवी क्रीम को 1/2 कप हैवी क्रीम ली है मैंने और उसको बीटर से हमने सॉफ्ट बीट करना है। इतना ज़्यादा करना है कि वो थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। चलिए, हमारी क्रीम भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए सॉफ्ट पीक्स हैं इस पर, इस तरह की हमें चाहिए थी। कस्टर्ड ठंडा हो गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसको हम दोबारा फ्लफी करने के लिए थोड़ा सा बीट करेंगे हल्का सा। चलें जी, कस्टर्ड हो गया है रेडी। इसके अंदर अब हम डालेंगे क्रीम जो भी हमने व्हिप करके रखी है खूब अच्छे से स्मूथ, और इसको हम सॉफ्ट हैंड्स के साथ मिक्स करेंगे इसके अंदर। इस तरीके से बहुत ही स्मूथ सी फ्लफी सी हमारी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए कस्टर्ड की। क्रीम और कस्टर्ड यम यम हो गया है इस टाइम। फ्रूट कॉकटेल का डब्बा लिया है, ये मैंने खुद नहीं बनाया इसलिए आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे बना। ये डब्बा लिया था मैंने और साथ ही केक, जो आपको पता है रेगुलर कोई भी केक आपके पास पड़ा हुआ हो 3-4 स्लाइसेस के चाहिए, इसके छोटे छोटे से पीस करके आप इस तरीके से इसमें डाल देंगे, नीचे बॉटम में सेट कर लेंगे। फ्रूट कॉकटेल में जो जूस होता है वो अब हम इसके ऊपर सारा डाल के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से सारे पीसेस के ऊपर डाल लेंगे ताकि वो केक के अंदर बहुत ही फ्रूटी फ्लेवर देंगे। चलिए, अब हम इसके अंदर डालते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड को लेयर करेंगे। कस्टर्ड के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अपना फ्रूट जो कटा हुआ था, जो हमने बॉक्स लिया था उसमें से वो कॉकटेल, और इसके बाद साथ ही हम इसको टॉप लेयर करेंगे, मिक्स करेंगे बल्कि फ्रूट के साथ जेली को। जेली मैंने 3 फ्लेवर्स की ली है, एक ऑरेंज है, इसके साथ स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है। ये तीनों फ्लेवर्स बहुत ही वाइब्रेंट हैं, बहुत ही मज़े के इनके कलर हैं और ये एकदम पॉप होते हैं। ये
ये देखिए किस तरह से उसने उठा दिया डिश को एकदम से, और ये देखिए ग्रीन कलर भी ऐड हो गया है इसके साथ। जब हम छोटे होते थे और शादियों पर जाते थे तो सबसे पहले हमारा दिल चाहता था कि ये जली वाली डिज़र्ट जो है वो हमें मिल जाए, हमारा बस वो खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी का ही आता था। तो आप देखें घर में बनाने कितनी आसान है ये। अब उसी तरह की लेयर को हम रिपीट कर रहे हैं जिस तरह से पहले हमने बनाया था, उसी को हम उसके ऊपर दोबारा लगाएंगे, कस्टर्ड डालेंगे, फिर फ्रूट डालेंगे, साथ जेली डालेंगे। केक अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप एक लेयर केक की भी लगा सकते हैं। ज़्यादा केक से क्या होता है कस्टर्ड वो थिक हो जाता है, तो इसलिए केक जो है वो बॉटम लेयर में ही ठीक लगता है। इसके साथ हम इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो दिल चाहता है, आपको जो चीज़ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एकदम सारी चीज़ों को अपने साथ मिला के इसको और ज़्यादा मज़ेदार कर देती है। तो चलिए जनाब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सी इसकी टॉप लेयर लग गई है, और बहुत ही दिल चाहता है कि इसको खाएँ, इसको इंजॉय करें ठंडा ठंडा चिल, टीवी देखते हुए अपना फेवरेट ड्रामा देखते हुए खाना खाने के बाद ऐसी चीज़ हो जाए तो बस मज़ा आ जाता है। ऊपर मैंने इसके पिस्ते और बादाम बिल्कुल बारीक बारीक से काट के वो डाल दिए हैं, बिल्कुल थोड़े से। चलिए ऊपर सारी जगह पे मैंने नट्स को अच्छे से फैला दिया है, अब इसके ऊपर हम फ्रूट को भी थोड़ा सा डाल देंगे जो बहुत बारीक बारीक सा हमारा कटा हुआ है। पाइनएप्पल है, पीचेस हैं इसके अंदर, इसके अंदर बेरीज हैं, तो ये सारा फ्लेवर जो है वो ऊपर टॉप लेयर में भी आ जाएगा। इसके साथ अगर चाहें तो आप इसमें रीजन्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो चलिए ठंडा होने के बाद हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है, ये बहुत ही मज़ेदार सी सेट हो गई है। तो जनाब अपने घर के मेहमानों को दावत में खुश कर दीजिए ये बनाकर। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।